तट बिछाई। डक गट्टा बादले नायम पर मैं बूंद खड़े के आई, बूंद खड़े के आई। बरसात करे तू ये ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। अरे एकदम की साया चंबा हो गया, कंपन लगी काया। अरे बंद करया स्नान, उठ के चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। सरागनी पर खुश होकर के सौ रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। चारों तरफ गोपी चंद लिखाया, कुछ भेद समझ ना आया। सजनो, सोले रानियों से पूछा कि तुमने कोई मखौलबाजी करी? सोले की सोले नाड़ी लगी कती नाटकी, एक एक करके वो जी कोई भी हना बरती। गोपी चंद की नजर जब ऊपर की तरफ गई तो ऊपर नजारा देखा, मां मैंने वंती खड़ी खड़ी छतिए पर रोने लग गई। गोपी चंद यूं मन में सोचने लग गया, रे जिसका बेटा राजा हो, जिसका बेटा राजा हो और एक राजा की मां महल के ऊपर छज्जे पर खड़ी होकर रोए, ये तो कोई ना कोई मोटा चढ़ा है, ये तो कोई कहानी दूसरी है। आइए भेद बूझना चाहिए। आदरणीय बड़े भाई प्रमोद जी सौ रुपए से बाल्टी का सम्मान, लाल सिंह जी सौ रुपए से बाल्टी का सम्मान, राम भगत जी सौ रुपए से बाल्टी का सम्मान, रोशन लाल जी ये भी सौ रुपए सरागनी पर, जो हमारे कमेटी के सभी मेंबर हैं ये सौ सौ रुपए का सम्मान दादा की सरागनी पर दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। माँ के धोरे आ गया, माँ के धोरे आ गया गोपी चंद ऊपर छज्जे के ऊपर और जड़ में बैठ गया और यूं पूजन लग गया के पूजन लग गया। अरे इतना क्यों दुख मान रही तेरे, किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। अरे कौन सी रानी लड़ी तेरे पे, कौन सी रानी लड़ी तेरे पे, खोल सुना मैं सारी। अरे एक मिनट की देर नहीं, दक एक मिनट की देर नहीं, करूं धरत गर्दन न्यारी, करूं धरत गर्दन न्यारी। हो अरे
कोई ताना उल्हाना मार दिया, अगर 16 रानियों में से किसी ने कुछ बोली मारी और कोई लड़ी हो तो तू एक बार कह दे कौन सी लड़ी, तेरा बेटा हूं राजा होने से पहले तेरा बेटा हूं, गर्दन अलग उतार दूं कि बेटा कोई भी रानी ना लड़ी, किसी प्रजा में से किसी ने ताना उलाना मारिया कि ना बेटा, कोई अनहोनी घटना होने वाली है, कोई सपना गलत देख लिया कि ना बेटा, फिर मामा ने यूं बता दे कि यो बीमारी की है। अरे मैं राजा होने से पहले तेरा बेटा हूं और तेरा बेटा पूछ रहा है कि तेरी आख्या में पानी क्यों है, मैंने इसे पानी का भेद बता दे। तीसरी गली में दादा ने के लिखे और किया बता दो कैसे बली बुरी करने आले का परमेश्वर के रहसे परमेश्वर के रहसे। अरे उस मानस का के जीना जिसकी दुखिया रही मसे, अरे जीवन ने तो जिए जा पर जीने की के रहसे जीने की के रहसे। सजनों कभी महोदय भेद खोल दे, पंडित दादा जगन्नाथ जी ने बड़े सुंदर शब्द में इस रागनी को परोया है और बता दिया कि गोपी चंद लाला बेटा कर ले तेरी सुनाई और घटा बादड़ी नाम बनाया भूत कड़े ते आई। चौथी कली में क्या बताया हर क्या लिया आंसू पड़ते हाँ? जलकी लगी झड़ी से जलकी लगी झड़ी से, तेरे मुंह पे बोल निकल खाना तेरी के कोई चीज हड़ी से, फिर मेरे बूंद लगी मैं देखने लग गया जननी मात खड़ी से मेरी जननी मात खड़ी से। Yeah.